अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने शपथ ले ली है, लेकिन यकीन मानिए इस पद पर पहुंचना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। इसके लिए कड़े संघर्षों से वो गुजरी है। अमेरिकी राजनीति में इतिहास रचने वाली कमला हैरिस सिर्फ 19 साल की उम्र में चेन्नई से अमेरिका चली गई थी। कमला हैरिस पहली भारतीय अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। अगस्त 2020 में बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को चुना। कमला हैरिस के जीवन पर उनकी मां का बहुत प्रभाव है। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली है। इससे पहले कमला हैरिस 2010 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत थी। इसके बाद साल 2017 में भारतीय मूल की कमला हैरिस कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सीनेटर भी चुनी गई। कमला हैरिस ने तो वॉशिंगटन में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन इसका जश्न हजारों किलोमीटर दूर भारत में भी मनाया गया। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव थुलेसेंद्रपुरम में कमला हैरिस के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनने की खुशी मनाई गई। गांव के लोगों ने हाथों में तस्वीर लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जिसमें बड़े से लेकर बच्चे तक शामिल हुए। कमला हैरिस की मां चेन्नई की रहने वाली थी और इस गांव में उनका परिवार रहता था। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन 1950 के दशक में पढ़ाई के लिए अमेरिका गईं। उन्होंने वहीं शादी की और बस गई, और जब गांव की बेटी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हुई हैं, तो इनके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। टीवी पर पहले कमला हैरिस का शपथ ग्रहण देखा और फिर इसके बाद जश्न में डूब गए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, लेकिन अगर इन दोनों के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। सबसे पहले तो दोनों के बीच जेंडर का अंतर है। यह पहली बार है अमेरिका में उपराष्ट्रपति कोई महिला है। बाइडेन ने 30 साल पहले पहली बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, 50 साल पहले पहली बार सीनेटर बने थे, जबकि हैरिस महज कुछ सालों में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई। हैरिस 10 साल पहले कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी थी और 4 साल पहले ही सीनेटर बनी है। अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच एक्सपीरियंस के मामले में यह बड़ा अंतर है, जबकि उससे पहले ट्रंप और ओबामा ने अपने से ज्यादा सियासी अनुभव वाले शख्स को उपराष्ट्रपति बनाया था। और बाइडेन हैरिस के बीच कितना तालमेल होगा वो भविष्य ही बताएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।